नमस्ते एवरीवन। गोवा, जहां जाने का सपना हम सभी ने कॉलेज या स्कूल के दिनों में देखा होता है। इस ब्लॉग में ना केवल हम आपको 3 दिन का ट्रिप बल्कि लोकेशन के साथ बजट भी शेयर करेंगे। अपनी गाड़ी भी पार्किंग में रख के जानी पड़ी क्योंकि दिल्ली में तो इतना पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से होती है हमारे 3 दिन के ट्रिप की जर्नी स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी से धारवाड़ा गए, जो कि लगभग 12 किलोमीटर की जर्नी थी। उसके बाद हमने कैब बुक करी, जिसके अंदर देखो मैं सामान रख रहा था, एंड वहां से फिर हम सीधा पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। कैब में बैठने से एयरपोर्ट पहुंचने तक का सफ़र हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि टर्मिनल 1 पर एक पोल गिर चुका था जो सुबह गिरा था, और साथ ही साथ ट्रैफिक भी बहुत था क्योंकि दिल्ली में पानी भरा हुआ था। एयरपोर्ट में एंटर करने पर आपको अपनी टिकट्स और साथ में एक आईडी शो करनी होती है। दोनों लोग ऐसे बैठे हैं जैसे तो पीट के बिठा रखा, अभी ये सब मुंह बना रखा था। दिल्ली टू गोवा जाने के लिए हमने बुक की थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, जिसकी पर पर्सन कॉस्ट हमें 5000 पड़ी, बट ये प्राइस वेरी करता है आप किस मंथ में जा रहे हैं और कौन सी फ्लाइट प्रेफर करते हैं। वैसे तो टर्मिनल 1 बिल्कुल ही बंद है, बट टर्मिनल 2 और 3 ओपन है। तो हमें पहले लग रहा था कि पानी हो सकता है दिल्ली में भरा हो, बट इतना पानी नहीं भरा है, ज़्यादा लगा हुआ है। पहले काफ़ी भरा हुआ था दिल्ली, पर अब यहाँ तक पानी निकल गया है। और टर्मिनल 3 थोड़ा दिल्ली के आउटर में ही है, तो बाहर की बाहर है थोड़ा। टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ी देर में हम करेंगे चेक इन। कहानी बैठी है ये हम गोवा जा रहे हैं फाइनली, और बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे कि कब जाएंगे कब जाएंगे, क्योंकि हमने लगभग 1 महीना पहले प्लान बनाया था, और अब हम फाइनली जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं और रोहित तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मम्मी पापा पहले जा चुके हैं। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी फर्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट है। हमने इंटरनेशनल काफ़ी ट्रैवल किया है, बट डोमेस्टिक में हमारी ये फर्स्ट फ्लाइट है। मम्मी जी पी रही हैं कोल्ड ड्रिंक, बिजी। मम्मी को कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मम्मी को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बीच में क्या है, हमारे बीच में एक पैसेंजर है, तो हमारी जो सीट्स हैं वो एक साथ नहीं मिली हैं, और अभी वहाँ जाके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बात करके कि वो पैसेंजर एडजस्ट हो जाए। वैसे तो हो जाना चाहिए, और मम्मी पापा की सीट साथ में है। चेक इन एंड बैगेज ड्रॉप करने के बाद हमारी होती है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो सबसे पहले हम आए हैं पेट पूजा करने। पापा जी को कैमरे में लेना ही मुश्किल है, इधर से उधर से भाग भाग के लेना पड़ता है। पापा जी तो सबसे पहले फूड कोर्ट की तरफ, आप समझिए मैं बबलू को इतनी भूख क्यों लगती है। मेरे को भी नहीं लगता, साउथ इंडियन इस पर मिल जाएगी पिज्ज़ा। पिज्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज, ओके। थैंक यू, चले। तो पिज़्ज़ा के टेस्ट में हम इतना डूब गए थे कि हम लेट हो गए और हमें भाग के अपनी फ्लाइट पकड़नी पड़ी। इतनी भाग दौड़ के बाद जैसे ही हम पहुंचे तो हमें पता लगा हमारी फ्लाइट और भी डिले है, और हमारा हो गया पोपट। तो हम पहुंच गए फाइनली, थोड़ा लेट थे बट अभी गेट्स खुले ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लकीली वी विल बी बोर्डिंग सून, तो चलो मिलते हैं गोवा में। बाय बाय। काफ़ी देर वेट किया, गाइस। वैसे तो ये वाली सीट हमारी है नहीं, क्योंकि हमारी है वो वाली सीट। अब देखना ये है कि जो जिसकी ये सीट है वो हमारे साथ एक्सचेंज करेगा या नहीं। तो हमारे साथ वाले पैसेंजर को भी वही सीट चाहिए थी जो हमें देनी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
तो ये था हमारा पहला व्यू गोवा का, और यहाँ से हमें दिख रही थी गोवा की पूरी कोस्ट लाइन और साथ ही साथ बहुत सारे बीचेस। तो जैसे ही हम प्लेन से उतरे मैंने अपना कैमरा निकाला और वीडियो स्टार्ट कर दी। तो मम्मी जी मुझे बोलती कि तुम लोगों का कैमरा ऑन ही रहता है, तो मैंने मम्मी को बताया यही है व्लॉगिंग लाइफ, भले ही हम नींद में हो लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम आप सबको दिखा सकें। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले हम अपना चेक इन बैगेज लेने के लिए पहुंचे बेल्ट नंबर 2 पे। तो नींद में चलते हो? अच्छा, हम बोर्ड के चले पापा जी, हम आप और मैं चलते हैं, तो निकल जाएगी मैं रास्ते। तो अभी हम पहुंच गए हैं गोवा एयरपोर्ट के बाहर और हमने बुक कर ली है हमारी कैब। कैब वाला ही कर रहा है फोन। लेट्स सी। हेलो, चाय पॉइंट एग्जिट A1 के सामने। गोवा में टैक्सी बुकिंग के लिए ओला उबर जैसी ऐप्स नहीं चलती हैं यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट टैक्सी बुक कर सकते हैं जो थोड़ा सा रिलेटिवली हायर प्राइस पॉइंट पे आपको मिलती है, अदरवाइज आप गोवा माइल्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी डेस्टिनेशन डाल के डायरेक्टली कैब बुक करा सकते हैं। तो हमारा होटल है कलंगूट बीच के जस्ट पास में और लोकेशन बहुत ही शानदार है। एंड लास्ट टाइम पापा जब गोवा गए थे तो वहीं पे रुके थे, मतलब उसी के पास में डोमार था और ये भी उसके बगल में ही है, मगर जो ये कलंगूट रेजिडेंसी है जिसमें हम अब जा रहे हैं ये बिल्कुल सामने है और हमने अपना जो रूम लिया है सुइट भी हमारा फेसिंग टू द सी। चलो तो अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, 5 मिनट भैया ने बोला है आने के लिए और आने के बाद फिर हम सीधा यहाँ से निकल जाएंगे हमारे होटल के लिए। एंड मम्मी जी दिखा रही है हमें कैसीनो प्राइड। मम्मी जी क्या कहना चाह रहे हो? अब गोवा में जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे कैसीनोज का प्रमोशन और बहुत सी चीज़ें दिख जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग गोवा में कैसीनोज पे भी आते हैं जाते हैं, हम भी हो सकता है जाए। अब ये बैग ऐसा ले लिया है कि इसमें हमें ऐसे एडजस्ट होना पड़ता है। आओ मम्मी जी उधर से जाएगा बेटा। माय स्पेशल प्लेस हाथ में घंटा समझो ठंडी ठंडी मजा आ रहा है। मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते
चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। जूते तो डाल लेती है। बंजी जंप करोगे? बंजी जंप। तो हमारे रूम है सी फेसिंग रूम, लेकिन अभी हमें एक ही रूम मिला है, वो दूसरा थोड़ी देर बाद मिलेगा। अभी हम चेकआउट हो रहा है दूसरे रूम में। हाँ, तो अभी वो रेडी नहीं है और हम थोड़ा सा जल्दी आए हैं हमारे चेक इन टाइम से। तो अभी चलते हैं अपने रूम में। अभी दिखाते हैं। पानी भरा हुआ है बारिश से। अरे वाह, ऐसा मन करता जैसे खड़े हो तो मेरे पास नहीं आएगा, दूर तक चला जाता है। इस वजह से गया पैर कर गया। सही बात है, एक बार धूप तो लगनी चाहिए। एक बार लग गई है। वैसे नारियल यहीं पे है, जाके ला सकते हो उसका। मतलब आपको चढ़ा दूंगा, खुद खुद आप ले आना। बंदर हूँ ना। राइट। वाओ, टाइट्स देखो कितनी जबरदस्त है। अल्टीमेट। पूल भी चलेंगे। एंड व्हाट अ वाइब। देखो पूल बोरा। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं कैलंगुट बीच पे। तो मैं थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही हाई टाइड है। आप देखो बहुत ज़्यादा। अरे